personally witnessed tremendous progress, phenomenal progress of this great country, Turkey, under visionary and dynamic leadership of President Tayyip Erdogan. Today, Turkey's export have touched more than $260-70 billion. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा तुर्की, एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। तुर्की पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म बोले कि पाकिस्तान और तुर्की के तारीखी ताल्लुकात हैं। तुर्की ने सदर तय्यब अर्दोगान की क़यादत में हर शोबे में बेपनाह तरक्की की। तुर्की की बरामदात $270 अरब से बढ़ गई हैं। तुर्क कौम कभी अपने दोस्तों को नहीं भूलती। तुर्की ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की से तिजारत बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, इमरान खान और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात की कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी बयानात का जायजा लेकर लाहे अमल मुरतब करेगी। काबीना की लॉन्ग मार्च को मुस्तरद करने पर अवाम को मुबारकबाद। 25 मई को गैर कानूनी काम बगावत के जुमरे में आता है। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर-ए-आला ने भी पुलिस पर हमला किया। सियासी सरगर्मी नहीं, रियासत पर हमले की कोशिश की गई थी। राना सनाउल्ला की ब्रीफिंग। नस्ल को गुमराह करने पर मुश्तमिल है, उसको आगे बढ़ाने के लिए वफाक पे जो है वो ये हमलावर हुए और कैपिटल सिटी इस्लामाबाद की तरफ जो है ये मुसल्ला लोग जिनकी तादाद चंद हज़ार थी, इस्लामाबाद की हदूद पर भी जब इनको रोका गया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। कौम को तकसीम करने के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वफाक पर हमला किया गया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान ने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया। कोई सियासी सरगर्मी नहीं थी, वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद पर हमले की कोशिश थी। वज़ीर-ए-दाखिला राना सनाउल्ला की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, इमरान खान को डी चौक पहुँच कर पता चला कि आपके लोग मुसल्ला हैं, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। इस क्रिमिनल गैंग और इसके सरगना को गिरफ्तार होना चाहिए। और मौलाना ने आपको बयान कर दिया, न सिर्फ उन्होंने हाई कोर्ट के हुक्म से इनकार किया, अगले दिन ये सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके भी यही बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा, इंतजामिया को हुक्म दिया, राणा साहब को भी, आईजी साहब को भी, बाकी महकमों को भी, कि आप इनके रास्ते खोलें और G9 एक्सटेंशन पार्क में जाए। खान साहब ने अपना बयानिया वक्त के मुताबिक रखा। वक्त के साथ उनके बयानियों की मुद्दत थोड़ी होती गई। कहा गया, पहले एक साजिश अमरीका ने की, अब कत्ल की साजिश हो रही है। हमने जमहूरी अंदाज में अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया। कमर जमान कायदा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि नए कानून में कोई तरमीम किसी गैर के लिए नहीं की गई। 1 घंटे में 31 कानून मंजूर हुए। उस वक्त कहा था कि ये गलत है। एक दहशतगर्द में और इमरान खान में, दहशतगर्द भी इसी तरह हमलावर होते हैं हथियारों के साथ पाकिस्तान पर, वफाक पर, एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाते हैं। कल जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला ने बयान दिया है, वो एक सूबे को वफाक से लड़ाना और एक सूबे को दूसरे सूबों से लड़ाने की बड़ी घिनौनी किस्म की साजिश है। कुर्सी जाने से इमरान खान के सर पर गहरी चोट लगी है। ये फितना और फसाद फैला रहे हैं। इमरान खान को पता है कि अक्टूबर नवंबर गुजर गया तो इसकी साजिश नाकाम हो जाएगी। ये कुर्सी लेकर भी वही करेंगे जो गुज़िश्ता 3 सालों से किया। मरियम नवाज का तंज, बोली के मुसल्लह तहरीक का गैंग लीडर इमरान खान है। रद्दुल फसाद ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया था। पाकिस्तान आपके खिलाफ नया रद्दुल फसाद लॉन्च करेगा। रोजाना जितने दुम्बे जब हो रहे वही, और दुम्बे के साथ जो दूसरे लवाजमात है वही हो रहे, और वही सारे सरकारी हमारे केपी के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, तो वही लाश भी हमने वही धरना देकर, और अगर हमने इसकी मुखालिफत की
कि इस्लाम आबाद नहीं आना चाहिए, तो हमें वही 2014 को सामने रख कर वही बात कर दी कि डी चौक में आ गए और 126 दिन बैठे रहे और पूरे पाकिस्तान को मफलूज किया। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इनके साजिश मार्च को मुस्तरद कर दिया। खान साहब यूटर्न के माहिर हैं, सुबह कुछ और शाम को कुछ और कहते हैं। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म अमीर मकाम की प्रेस ब्रीफिंग, बोले कि इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई थी तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफे क्यों नहीं दिए गए। इमरान खान ख्वाब देखना छोड़ दें, अब कभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकेंगे। ब्रिगेड जो पीटीआई है वो गोगी जो ये बचाओ मुहिम चला रही है, ये इससे भी सब लोग वाकिफ हैं। कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है, ये सिर्फ इस मुल्क में फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं गोगी बचाओ मार्च कर रहे हैं। खान साहब मुल्क अम के लिए खतरा बन चुके हैं, साबिक दौर की करप्शन कहानियां सामने आ रही हैं। महमूद खान ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की वो काबिले मज़म्मत है। शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुजीर था, साबिका हुकूमत ने IMF से मुआहदे किए, 1,40,00,000 खानदानों को 28 अरब का रिलीफ दिया जाएगा। हमने किसी को अमन अमान तबाह नहीं करने देना, हमने किसी को अफरा तफरी फैलाने नहीं देनी, हमने किसी को यह हक नहीं देना कि वो अवाम के जानो माल के साथ खेले, और अवाम के जानो माल का तहफ़ हमारी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। पंजाब के अंदर जो मुकदमात दर्ज हुए हम आज भी अपनी पुलिस फोर्स के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के जरिए इंतशार फैलाने की कोशिश की। इमरान खान को गिरफ्तारी का फोबिया है, आप पर खौफ तारी है, इसलिए पिशावर में पनाह लेकर बैठे हुए हैं। वज़ीर पंजाब अदाज़ादा का तंज, बोले इमरान खान ने मईशत को तबाह किया, इन्होंने अफसरान के खिलाफ पर्चे काटने की दरख्वास्त दी है, किसी ऑफिसर के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी, आप दोबारा आएंगे तो हम रोकेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद के दौरान आसिफ अली जरदारी से राबितों की तरदीद, बोले कि लॉन्ग मार्च खत्म करने के पीछे कोई डील नहीं है, मार्च खत्म ना करता तो खून खराबा होता, असेंबली वापस गए तो मतलब होगा कि इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। हमारी हुकूमत थी तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था, अमरीका के जेर असर लॉबी मुस्लिम ममालिक से सहूनी रियासत को तस्लीम कराना चाहती है। पहले आपने लोगों को मारा, आपने 79 लोगों के ऊपर फायरिंग की, आपने ख्वातीन की बेहरमती की, चादर चार दीवारी का आपने पास नहीं किया, आपने क्या एक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी जो आपने नहीं की। जहर खाने को पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ आप ये सारे दौरे कर रहे हैं, तीसरी तरफ आपने शहबाज शरीफ साहब ने आते ही अपने 5 घरों को अपना कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया और अब उनके तमाम इखराजात हुकूमत पे शिफ्ट हो गए हैं। लॉन्ग मार्च के दौरान बदमाशी और गुंडागर्दी का मुजाहिरा किया गया, कारकुनों पर तशद्दुद की वीडियोस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को भिजवा रहे हैं, साइफर की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फवाद चौधरी का मुतालिबा, बोले कि क्या वजूहात हैं कि सदर मुमलिकत के कहने पर भी कमीशन नहीं बनाया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट तहकीकात क्यों नहीं करा रही, जहर खाने के पैसे नहीं, दूसरी तरफ ये दौरे कर रहे हैं, हुकूमत की इजाजत से एक वक्त इसराइल गया। कोई परेशानी नहीं है नहाते बच्चों पे चलाने के लिए शेल्स या चादर और चार दीवारी को पामाल करने के लिए, बस मरियम नवाज को कुछ ना कहा जाए, उसके झूठों को कुछ ना कहा जाए, शहबाज शरीफ की करप्शन पे कुछ ना बोला जाए, मकसूद चपड़ासी का नाम ना लिया जाए, इस बारे में वो बड़े हसास हैं, बाकी किसी बारे में हसास नहीं। अब आ जाते हैं जी लोड शेडिंग की तरफ।
तो ये जो कार्टून हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, जिसके एक एक नमूना जिसका हर महकमे में बैठा है, इसके चार नमूने इस वक्त तवानाई से मुंसलिक वजारतें चला रहे हैं। हम्माद अज़हर बोले कि राना सनाउल्ला ने ख्वातीन और बच्चों पर आंसू गैस की शेलिंग की, इसके लिए दलेरी नहीं बेशर्मी चाहिए। एक तरफ बेशर्मी, दूसरी तरफ मुतमईन दिखाई देते हैं। कहते हैं शहबाज शरीफ और मकसूद चपड़ासी के खिलाफ बात ना की जाए। चार नमूने इस वक्त वजारत तवानाई चला रहे हैं। पिछले दो तीन हफ्ते से ईंधन का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया है। कौमी असम्बली के मुस्ताफी अरकीन की जाती हैसियत में तलबी पर पीटीआई का इनकार। स्पीकर ने आईनी और कानूनी माहिरीन से राय तलब कर ली। मेंबरान जाती हैसियत में पेश ना हुए तो क्या हिकमत अमली तय की जाए। कानूनी टीम ने तीन ऑप्शंस रख दिए। कानूनी टीम के मुताबिक मेंबरान की अदम पेशी पर इस्तीफों को कबूल, मनसूख या इल्तवा में रखा जाए। स्पीकर जल्द वज़ीरे आज़म से मुशावरत के बाद आइंदा की हिकमत अमली तय करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेरे सदारत इजलास, अवाम के जानो माल के तहफ्फुज़ के लिए किए गए इकदामात का जायजा लिया गया। हमजा शहबाज बोले कि लॉ एंड ऑर्डर की फजा को हर सूरत बरकरार रखा जाए। किसी गिरोह या जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 25 मई को कानून हाथ में लेने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। अमन कायम रखने के लिए पुलिस की सपोर्ट जारी रखेंगे। आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बलोचिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने बल्दियाती इंतखाबात में मुतासर कुन कारकर्दगी को सराहा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दीगर रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। काफली के साबिक सैनेटर सईदुल हसन मंदोखेल, अकबर खान मंदोखेल भी मिले। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट का दुआ जहरा को तलाश करके पेश करने का हुक्म। दुआ जहरा के ससुरालियों को हरासा करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। दुआ जहरा कहाँ है? जस्टिस तारिक सलीम शेख का इस्तफसा। दुआ जहरा खावन के साथ है, मुझे नहीं इल्म, वकील का मौक़िफ़। दुआ जहरा को जब अदालत बुलाएगी आना पड़ेगा। आप दुआ जहरा को क्यों पेश नहीं करते? जब पुलिस इंक्वायरी करती है तो आप अदालत आ जाते हैं। अदालत के रिमार्क्स। ट्रेन में खातून से मुबैना ज्यादती में मुलव्वस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी एक चैलेंज था। मुलजिमान कार्रवाई का सुनकर चुप गए थे। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आईजी रेलवेज फैसल शाहकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले दो मुलजिमान ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। गिरफ्तार मुलजिमान का DNA कराया जाएगा। लाहौर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 10 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किए जाने वाला बच्चा बाजियाब। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पुलिस ने सराया आलमगीर में छापा मारकर दो मुलजिमान को असलहा समेत पकड़ा, जिनकी निशानदेही पर बच्चा बरामद हुआ। अगवा बराए तावान की मनसूबाबंदी बच्चे के वालिद की सौतेली सास ने की। मुलजिमा और उसका साथी फरार है, पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अलीपुर के इलाके चाहमस्तोई वाला में घर से 5 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक शौहर ने मुबैना तौर पर 3 बेटियों और बीवी को कत्ल करके खुदकुशी की। IG पंजाब राव सरदार अली ने वाकये का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब का वाकये का साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश कराने का हुक्म। मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी के लिए इकदाम की हिदायत।
गरीब आवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 179.86 रुपए, हाई स्पीड डीजल की कीमत 174.15 रुपए फी लीटर बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की कीमत 155.56 रुपए, लाइट डीजल की कीमत 148.31 रुपए फी लीटर ही रहेगी। ओगरा का जून के लिए एलपीजी की कीमत में कमी का ऐलान। एलपीजी की फी किलो कीमत में 13.09 रुपए कमी। नई कीमत 218.76 रुपए फी किलो मुकर्रर। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 154.48 रुपए सस्ता। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,581.35 रुपए मुकर्रर। अप्टमा की तवानाई के नर्ख और खाम माल और पुरजाजात पर गैर महसूलाती रुकावटें खत्म करने की इस्तदा। अप्टमा के मुताबिक कयास आ रही हैं कि हुकूमत वाउचर सिस्टम से खाम माल की दरामद कम करना चाहती है। कपड़े की सनत की बरामदात गुज़श्ता बरस से 26% ज्यादा है। रवां बरस $21 अरब की कपड़े के बरामदात मुतवक्के हैं। हुकूमत तवानाई नर्ख खाम माल और पुरजाजात पर गैर महसूलाती रुकावटें दूर करे। पाक फौज के जरे एहतमाम चौलिस्तान बहावलपुर में तिब्बी और खुश्क साली रिलीफ कैंप का क्याम। ISPR के मुताबिक पाक फौज हमेशा की तरह हर किस्म के हालात में कौम की खिदमत के लिए कोशां है। हाल ही में पाक फौज ने हैजे की बीमारी पर काबू पा लिया है। बलोचिस्तान में पाइन के बागात में लगने वाली आग पर भी काबू पाया गया है। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर आवाम की मदद की। आलमी मईशत के लिए रूस और यूक्रेन जंग के असरात संगीन साबित होने लगे। यूरोपीय यूनियन का रूसी खाम तेल की दरामदात पर पाबंदी आयद करने का फैसला। यूरोपीय यूनियन के फैसले से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद बढ़ गईं। अमरीकी खाम तेल 4% इजाफे से $119 फी बैरल। बरतानवी खाम तेल 2% इजाफे से $124 फी बैरल पर जा पहुंचा। पाकिस्तान में भी तेल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। और पेरिस के अजायब घर में आलमी शोहरत याफ्ता महंगी तरीन मोनालिसा की पेंटिंग पर शहरी ने केक फेंक दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुअम्मर शख्स खातून के भेस में आया और पेंटिंग पर केक मल दिया। मोनालिसा की पेंटिंग बुलेट प्रूफ शीशे के खोल में रखे होने की वजह से महफूज रही। मोनालिसा की पेंटिंग को रोजाना हजारों लोग देखने आते हैं।